हरे कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरे हरे हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरे हरे हरी गो रामा रामा हरे हरे बोलो कृष्ण कन्या की जय हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों और आज के इस वीडियो में आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे माधव का श्रृंगार कर रही हूँ मैं तो माधव को मैंने ड्रेस पहना दी है और जैसी मैंने राधा रानी को ड्रेस पहनाई थी वैसी ही सेम माधव को भी पहनाई है और उसके ऊपर मैंने जो लॉन्ग वाला सेट होता है वो मैंने पहनाया है जर्कन का है वाइट और रेड जर्कन में और ये वाला सेट ड्रेस के साथ में मैच हो रहा है तो मैंने पहना दिया है चलिए अभी कानों में जर्कन के ही टॉप्स पहना रही हूँ और जो ये श्रृंगार है ये श्रृंगार मैंने राधाअष्टमी पे किया था अपनी जुगल जोड़ी सरकार का तो राधा रानी का जो श्रृंगार था वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर दिया था और इस वीडियो में मैं माधव का श्रृंगार शेयर कर रही हूँ आप सभी से और देखिए यहाँ पर जो ड्रेस पहनी है वो कमर काचनी वाली ड्रेस है तो पजामा और ऊपर से कुर्ता टाइप से पहनाया है और कमर काचनी साथ में पहनाई है तो इस ड्रेस का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लुक आता है जब ये कमर काचनी आप पहना देते हो तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है इस ड्रेस का राधाष्टमी है तो राधा रानी जी का जब श्रृंगार हुआ है तो हमारे माधव का श्रृंगार कैसे रह जाए तो अभी हमारे माधव भी श्रृंगार करवा रहे हैं और दोनों का श्रृंगार बहुत ही अद्भुत है हमारे भाव होने चाहिए जिस भाव से भी हम श्रृंगार करते हैं सेवा पूजा करते हैं वो भाव हमारे अच्छे होने चाहिए ठाकुर जी हमारे कन्हैया हमारे माधव वो सेवा पूजा स्वीकार करते हैं तो अभी यहाँ पर मैंने पूरा श्रृंगार कर दिया है जरकन का तिलक भी लगा दिया है अब लगाऊंगी पगड़ी तो ये वाइट मोती की मल्टी कलर में पगड़ी है सॉरी मुकुट है मैं ज़्यादातर पगड़ी पहनाती हूँ तो मुझे पगड़ी का ही याद रहता है तो जब स्पेशली कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो मैं मुकुट वग़ैरह भी पहना देती हूँ और यहाँ पर हमारे माधव ने मुकुट भी पहन लिया है और फाइनली पूरा श्रृंगार हो गया है हमारे माधव का सो आप सभी एक बार हमारे माधव के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए और जिनके घर में भी जुगल जोड़ी सरकार हैं या फिर बाल गोपाल जी हैं जिनके पास जुगल जोड़ी सरकार हैं वो लोग श्रृंगार कर सकते हैं और ये जो पटका है इसको मैं पीछे से इस तरह से पहनाऊंगी बट जब मैं सिंहासन पे बिठा दूँगी उस टाइम पे मैं इस पटके को अच्छे से सेट से करूंगी और जिनके पास राधा रानी जी नहीं हैं माधव नहीं हैं तो वो लोग बाल गोपाल जी का राधा रानी स्वरूप में श्रृंगार कर सकते हैं अष्टमी पे एंड आप सभी को मैं फाइनली श्रृंगार दर्शन करवा रही हूँ तो ये हमारे माधव का आज का स्पेशल श्रृंगार है यानी कि अष्टमी का आई होप आप सभी को आज का ये श्रृंगार पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए शेयर करिए और जो लोग भी चैनल पर नए हैं सो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों